ये पैटर्न हमें समझना है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा है। इसमें किस तरह से डिवाइड किया गया है डेटा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या करना है वो सारे स्टेप हमें देखने हैं। ईडीए है, हमें ईडीए करना है सबसे पहले। एंड बहुत सारे फैक्टर भी हैं, जैसे कि लोन डिफॉल्ट रहता है उसके क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, किससे पता चलेगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो ये हमें बताए कि बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है और फिर हमें एनालिसिस करना है। सो ये देख लेते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इसमें हिंट भी गिवन है किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट द ओवरऑल अप्रोच ऑफ एनालिसिस, मेंशन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एनालिसिस अप्रोच ब्रीफली। ओके, ये आप कर सकते हैं अपने बेसिस पे। एक बार आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से करने वाले हैं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। हम मेन देखेंगे आज हम करने वाले हैं जो हमें एक्सेल पे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई द मिसिंग डेटा एंड यूज अप्रोप्रिएट मेथड टू डील विद इट, रिमूव कॉलम्स, रिप्लेस इट विद एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। सो बेसिकली हमें ईडीए करना है। हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम, मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम रिप्लेस के साथ रिमूव भी कर सकते हैं, एड ऑन भी कर सकते हैं वैल्यूज़। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक तरह से, तो इसको हम करते हैं। चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। ये रही मेरी एक्सेल शीट। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है उसमें हमें देखना है कि मेरे पास बहुत ह्यूज डेटा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और चेक करूँ कितना डेटा है, तो ये लैक्स में है, 3,07,514 हमारे पास ये रोज़ हैं। और कॉलम में देखती हूँ कितने हैं, 123 कॉलम हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज डेटा है हमारे पास। तो हमें ईडीए करना है, जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है उनको रिमूव करना है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको, वैल्यूज़ को रिप्लेस भी करना है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल अप्रोच लगाई है। सबसे पहले ये हमारा टारगेट वैल्यू है, सबसे पहले मैंने इनका टोटल देखा है किसका कितना टोटल है। ये वैल्यूज आगे काउंट ए का आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला का, एंड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने नल वैल्यू कैलकुलेट किया, 1 माइनस D2 एंड ये कम्प्लीट SB2 से, ठीक है। जब हमारी नल वैल्यूज़ कम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा क्या परसेंटेज है नल वैल्यूज़ का। अब जिसमें भी 30% से ज़्यादा है नल वैल्यूज़ उसको मैं रिमूव कर दूंगी और बाकी को मैं अपने पास रखूंगी। देखिए हमारे पास, देखिए समय 0 0 आ रहा है, ये है 31.3% ऑक्यूपेशन टाइप, इसको मैं रिमूव कर दूंगी। फिर देखिए ये आ गया मेरे पास एग्जिट सोर्स, ये सारे जो भी रेड मार्क है ये सारे कॉलम में फाइनल डेटा में रिमूव करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लास्ट का डेटा काफ़ी रिमूव करने वाला है। इसके बाद ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डेटा मैं रिमूव कर दूंगी और अपना फाइनल डेटा तैयार करूँगी। ये सारा ईडीए का पार्ट बहुत बेसिक पार्ट है, आपको करना होगा थोड़ा फिल्टर एनालिसिस वगैरह करके चेक करना होगा, वैल्यू मिसिंग है वो फिल करनी होगी। तो अब देखिए ये मेरा फाइनल डेटा आ गया है, वो था हमारा 3,07,000 का। ये है हमारा, काफ़ी डेटा मैंने रिमूव किया है इसमें से। बेसिकली तो मैंने सबसे ज़्यादा कॉलम ही रिमूव कर दिए हैं, तो डेटा ऑलमोस्ट रो तो सेम है लेकिन कॉलम मेरे कम हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 30 कॉलम बचे हैं, बाकी मेरे सब रिमूव कर दिए हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने इसमें कॉलम एड ऑन भी किया है, 3 कॉलम मैंने एड ऑन किए हैं, वो मैं बताती हूँ मैंने किस तरह किए हैं और क्यों किए हैं। आप एक बार जब भी स्टार्ट करते हैं ईडीए का पार्ट, सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बार आप सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लें। उससे क्या है, आपको इम्पोर्टेंट कॉलम कौन से हैं वो पता चल जाएगा, जो रेलिवेंट नहीं है चाहे उसमें नल वैल्यूज़ ये 0 ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर उसकी यूज़ के लिए नहीं है तो हम उनको भी रिमूव कर देंगे। ये आप 3 कॉलम ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये किस तरह से किया है मैंने, देखिए ये डेज एम्प्लॉयड है कि एक जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, वो कितने दिन डेज एम्प्लॉयड रहा है, वर्किंग रहा है। अब ये रहा है 637। अब इनको मैंने डेज को कन्वर्ट किया है ईयर्स में,
और ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, इक्वल टू ए बी एस दिस वन अपॉन 365। अब ये क्या है, मेरा ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मैंने डेज रजिस्ट्रेशन को किया है और इसी तरह मैंने डेज आईडी पब्लिश को किया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डेज में थी इसलिए मैंने इनको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ये थ्री कॉलम मैंने एड ऑन किए हैं। यही मेरी फाइनल डेटा सीट में भी मैंने उनको रिमूव करके डायरेक्ट एड ऑन कर दिया है। ये आ गया हमारे पास फाइनल डेटा सेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन वन की तरफ। फर्स्ट था हमारा ईडीएफ पार्ट जो कि हमने पूरा कर लिया है। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इफ दे आर आउटलायर इन द डेटा सेट। हमें डेटा में आउटलायर्स का फाइंड आउट करना है एंड मेंशन व्हाई डू यू थिंक इट इज़ एन आउटलायर। हमें ये मेंशन भी करना है आउटलायर क्यों है ये बताना है। अगेन रिमेंबर दैट फॉर दिस एक्सरसाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव एनी डेटा पॉइंट। हमको रिमूव नहीं करना है, जस्ट शो करना है कि आउटलायर्स कौन से हैं एंड उनका रीजन मेंशन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आउटलायर्स को हम देखेंगे कैसे चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर, कैसे हम शो कर सकते हैं और क्या रीजन हो सकता है। देखिए आउटलायर के लिए मैंने यूज़ किया है क्वार्टाइल फॉर्मूला, आई होप आप सबको पता होगा। क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू, इंटर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। ये जो टारगेट एंड अमाउंट इनकम टोटल आप निकाल सकते हैं प्राइवेट टेबल के यूज़ करके, सीधा आप ये निकाल दीजिए। उसके बाद ये सारे फॉर्मूला देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वन है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, वन क्वार्टल थ्री के लिए थ्री, इस तरह से आपको चेंज करना होगा। और इंटर क्वार्टाइल को क्या करेंगे, डी सिक्स माइनस डी थ्री, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल आ जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट निकालेंगे हम किस तरह से, जो डी नाइन होता है उसका 1.5 रहता है उसको प्लस कर देंगे डी सिक्स में। और ये है हमारा लोअर लिमिट, इसको डी थ्री में से माइनस कर देंगे 1.5 इंटू डी एल। आई होप गाइस आपको पता हो, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो सिर्फ इंटर क्वार्टल रेंज पे ही बना दूंगी मैं, जिससे कि आप किसी भी डेटा के आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये मैंने टेबल बनाई है डेटा एनालिसिस करके, डेटा में जब आप जाएंगे तो डेटा एनालिसिस पे क्लिक करके ये आपकी वैल्यू निकल आएंगी। अब देखिए ये निकल गया मेरा अमाउंट इनकम टोटल का फिगर। अब इसमें आउटलायर्स क्या है, ये जीरो वैल्यू है, ये वन वैल्यू है, ये हमारा आउटलायर है दिस वन। ये आप देख सकते हैं जीरो पे हमारे ये टारगेट वैल्यू जीरो है हमारी और वन है, जो जीरो और वन पे है तो ये इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ रही, 20 आई थिंक ये करोड़ है, 20 करोड़ से नीचे नीचे है। और ये हमारी देखिए कितनी है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो ये हमारा आउटलायर रहेगा। ये सारी वैल्यू जब 20 के नीचे हैं और एक वैल्यू इतनी हो जाएगी, अगर हम मीन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मीन इतना रहेगा 60 के अराउंड, जो कि एक्यूरेसी को नहीं शो करेगा और वो गलत होगा। तो इसलिए हम इस आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं टू नो दी एक्यूरेसी और टू नो दी एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से हमने आउटलायर फाइंड आउट किया है अमाउंट इनकम टोटल का। अब देखते हैं हम दूसरे फैक्टर्स में चलते हैं आउटलायर्स। अब हम देखेंगे सेकंड का, वो है आई थिंक काउंटिंग ऑफ चिल्ड्रन। आई थिंक ये डेटा इतना ह्यूज है, थोड़ा सा एक्सेल भी हैंग हो रहा है मेरा, तो आप गिट गिट हब का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ओके, निकल गया हमारा। आपको सेम ही यूज़ करना है, वो ही सारे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आप मेरी पिछली स्लाइड को पॉज करके इस तरह से आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉपी एक्सेल शीट चाहिए तो इसकी भी कॉपी मैं शेयर कर दूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट आ गया हमारा और काउंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारे जीरो पे जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी वन पे जो वैल्यूज़ हैं। तो ये आउटलायर क्या हो सकता है, 20 चिल्ड्रंस, जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ये देखिए कितना आउटलायर है, 14 तक, ये 8 तक थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, 8 टू 10 तक 12 तक, बट 20 चिल्ड्रंस का ये आउटलायर है एक तरह से। हम इसे फाइनल डेटा में रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें गिवन है कि हमें रिमूव नहीं करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आउटलायर, मैंने एक और निकाल रहा है, वो है हमारा डेज ऑफ एम्प्लॉयड।
जो हमारा एप्लीकेंट है वो कितने दिन एम्प्लॉयड रहता है, कितने दिन वर्किंग रहता है, ये हम निकालेंगे। देखिए अब जीरो पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आ गई, वन पे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आ गई। अभी मेरा वो खुला नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बताया मेरा ये डेटा कितना ह्यूज है। अगर आपको डेटा सेट भी चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये मेरा खुल चुका है, देखिए जीरो पे जो वैल्यूज़ हैं 200 डेज से भी कम कितने लोग एम्प्लॉयड रहे हैं, वन पे कितने लोग एम्प्लॉयड रहे हैं। अभी देखिए 1000 जिन्होंने इतने साल काम किया है, ये कितना है, ये होगा आपका अराउंड 5 के अकॉर्डिंग, 5-6 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये है 1000 ईयर जिन्होंने काम किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आउटलायर है, इनको हम इसलिए इन आउटलायर क्या रहते हैं, जो डेटा एक्यूरेट, जिनकी वजह से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। लाइक हमारे पास कोई डेटा सेट है 1, 2, 3 एंड उसमें एक वैल्यू है 100, लेकिन अगर आप इनका मीन निकालेंगे तो ये 40 से 50 के अराउंड हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं होगा। इसलिए आपको ये एक्सेस वैल्यू होती है जिनको हमें रिमूव करना होता है। तो आप चेक कर सकते हैं 1000 ईयर पॉसिबल नहीं है किसी के लिए काम करना, तो ये हमारा आउटलायर है, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनबैलेंस का। यस ये आइडेंटिफाई इफ देयर इज डेटा इनबैलेंस इन द डेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ डेटा इनबैलेंस। जो इनबैलेंस रहता है, जो बैलेंस नहीं है, जो हमारा टारगेट वेरिएबल है हमारा यहाँ पे 0 और 1 है, एंड अगर हम उसको ही देखते हैं उसका डेटा कि कितना है, किस रेशो में है पूरा, तो अभी हम चेक करेंगे कि 0 कितने हैं, 1 कितना है, और इनका बैलेंस चेक करने के साथ साथ हमें इनका रेशो भी चेक करना है, वो भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। गाइस मैंने बताया ये डेटा इतने यूज है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मेरा एक्सेल भी थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आप प्लीज़ चेक करते रहना। तो उसके लिए डेटा इनबैलेंस के लिए बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, और इसको हम चार्ट के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि कैसे रहेगा। देखिए गाइस, तो सबसे पहले आपको पिवट टेबल यूज करना है, टारगेट आपको रो में डालना है और इसके सामने की वैल्यू आपको वैल्यूज में डालनी है। टारगेट को एक बार रोज में डालना है और एक बार वैल्यूज में डालना है पिवट टेबल में, तो आपकी ये टेबल निकल जाएगी। इसका आपको ग्राफ बनाना है। देखिए 282,686 है जो हमारा जीरो वेरिएबल में है, और ये वन में है 24,825। आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आप रेशो काउंट कर सकते हैं 11.39, और हम कह सकते हैं 92% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जीरो का है और वन का सिर्फ 8% है। ये डेटा कितना इनबैलेंस है आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से फिगर से ही ईजिली विजिबल है, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ यूनिवेरिएट सेगमेंटेड यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस इन द बिजनेस टर्म। देखिए हमें ये तीनों रिजल्ट हमें दिखाने हैं, ये तीनों रिजल्ट हमको करने हैं, इनको हमें किस तरह से करना है मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने जो इनकम था उसका इनकम बिन बनाया है, ये मैंने तीनों एनालिसिस करके दिखाए हैं, ये किस तरह से करे हैं। क्रेडिट का क्रेडिट बिन बनाया है, और ये अगेन इनकम बिन, ये मैंने तीनों किस तरह से एनालिसिस किए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने इनका ग्रुप बनाया 20, इसकी एक रेंज फिक्स की, ये मैंने मैनुअली किया है, मैं आपको फाइनल डेटा सेट दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने बिन का रेफरेंस दिया है, देखिए ये इस तरह से मेरी इनकम गिवन थी, ठीक है, उसको मैंने इस तरह से फाउंड आउट किया है इनकम बिन्स में, क्रेडिट का क्रेडिट बिन्स में किया है। ये दोनों मैंने बिन्स बनाई है ताकि मैं एक रेंज ले सकूं और उसको यूज़ कर सकूं। अब देखिए जब हम इनका ये एनालिसिस करेंगे, यूनिवेरिएट एनालिसिस रहता है जब हम सिर्फ सिंगल एक एक ही हमारे पास फैक्टर है
जैसे कि सिर्फ क्रेडिट बिन है, उसको यूज करके जब मैं एनालिसिस करूंगी तो ये रहेगा यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या लिया, एप्लीकेंट है मेरे पास, मैंने उनका सिर्फ क्या लिया, क्रेडिट बिन मेरी एक कैटेगरी बनाई है, मैंने सिर्फ वो लिया है और उनको मैंने इस पे रखा। और देखिए इस पे ये किस तरह से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, 2.5 लाख से 3 लाख है, उनका कितना अप्रूवल होता है। अब आप देख सकते हैं 9 लाख एंड अबव इसका जो रिजल्ट है इस ग्राफ का क्या है, ज़्यादातर जो एप्लीकेशन 9 लाख एंड अबव है जिसकी सैलरी, उनका ज़्यादातर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, उनको लोन ईजिली मिल जाता है। बाकी क्या आप काउंट देख सकते हैं किस तरह से है, ये रह गया हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें वो है हमारा सेगमेंटेड यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब देखिए इसमें मैंने सिर्फ एक वैल्यू लिया, या तो टारगेट 0 लिया है या 1 लिया है। ठीक है, सिर्फ 1 पे मैंने वैल्यू चेक की और इस तरह से मेरा एनालिसिस किया। अब जो मैंने यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सेगमेंटेड यूनिवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर तो हम इसका एक लेंगे लेकिन इसके सब कैटेगरीज 0 और 1 रखेंगे। कैसे, यहाँ पे तो है सिर्फ 9 लाख के अबव कितने लोन हुए, ए पॉजिटिव हमने देख लिया, जो नहीं हुए वो हमने नहीं लिया, सिर्फ एक ही चीज पे हमने इसको एनालिसिस किया है। लेकिन सेगमेंटेड में क्या है, सब कैटेगरी हो जाती हैं। अभी इनकम ले लिया, हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पहले तो सिर्फ हमने वो लिया जिनका हुआ, यहाँ पे हुआ और नहीं हुआ दोनों ही सब कैटेगरी हमने लिए। लाइक 50,000 से 75,000 में 17,000 लोगों का हुआ, 1,526 लोगों को नहीं हुआ, इस तरह से ये सब कैटेगरी हमने साथ में लिए, उसको बोलते हैं हम सेगमेंटेड यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब तीसरा आता है हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हम दो फैक्टर लेते हैं या फिर दो से ज़्यादा जब हमारे पास फैक्टर हैं तो उसको बोलते हैं हम बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जब हम दो फैक्टर्स को लेते हैं, उनको बोलते हैं हम बाईवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट सिंगल टर्म, सेगमेंटेड सिंगल टर्म में सब कैटेगरी, एंड बाईवेरिएट टू टर्म्स लेते हैं, जैसे इनकम बिन भी ले लिया हमने और एवरेज ऑफ अमाउंट क्रेडिट भी ले लिया। ठीक है, इनकम बिन में क्या, 5 लाख एंड अबव का जिनकी सैलरी रहती है और उनका एवरेज अमाउंट क्रेडिट कितना हो जाता है, लगभग इतना हो जाता है। इस तरह से हमने दो फैक्टर्स लिए हैं, एवरेज ऑफ अमाउंट यहाँ आ गया और इनकम बिन्स यहाँ आ गए। तो आप देख सकते हैं जिनका 5 लाख एंड अबव है उनका मोस्टली कितना एवरेज होता है, बाकी उससे नीचे कितना होता है, यहाँ पे कितना हमारा एवरेज अमाउंट क्रेडिट उनको एक तरह से कितनी क्रेडिट लिमिट मिल जाती है वो बताया है। तो इन चीज़ दोनों चीज़ों का हमने एनालिसिस किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या है, एक डैशबोर्ड मैंने बनाया है सबका, सो दैट कि अगर क्लाइंट को कुछ भी पूछना है तो मैं किस तरह से बना पाऊँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट था यूनिवेरिएट का, यहाँ से आप स्लाइसर जरूर ऐड कीजिए, इससे क्या है आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनेगी। और क्लाइंट पूछता है 100K से 125K कितना है, तो आप 0 एंड 1 की वैल्यूज दिखा सकते हैं, 200K से 250, इस तरह से आप कोई भी फैक्टर चूज करके यहाँ से फिल्टर चूज करके दिखा सकते हैं और एंड में फिल्टर रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह जो एप्लीकेंट्स पर क्रेडिट बिन है, आप 0 की वैल्यूज दिखा सकते हैं सब में और 1 की वैल्यूज दिखा सकते हैं, ये सब में एप्लीकेबल है क्योंकि टारगेट वैल्यूएबल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्रेडिट बिन में इस तरह से 0 एंड 1.5 लाख तक कितना है, ये तीनों में आपकी वैल्यू शो हो जाएगी इसकी, क्योंकि क्रेडिट बिन तीनों में है। इस तरह से आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हो, क्लाइंट के क्वेश्चन देख सकते हो, अगर वो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं लाइक 4 to 4.5 लाख तक क्या रहेगा, तो सारे सिनेरियो आप उनके सामने शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम अपने फिर अपने क्वेश्चंस पे। हमारे सारे एनालिसिस होने के बाद आता है फाइंड द टॉप कोरिलेशन ऑफ द क्लाइंट विथ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड ऑल अदर केसेस। टारगेट वेरिएबल लेना है 0 एंड 1, टॉप 10 कोरिलेशन दिखाना है हमें। चलते हैं हम अपने स्लाइड्स पे, एक्सेल शीट पे। देखिए
सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने दो टेबल बनाई, एक तो जीरो जिसमें टारगेट वेरिएबल है, और सेकंड बनाया है जिसमें टारगेट वेरिएबल मेरा वन है। ठीक है, अब इसका मैंने कोरिलेशन निकाला है। कोरिलेशन की टेबल ये रही मेरी, इसके लिए मैंने कोरल फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन इसको किस तरह से निकालते हैं आपको आता होगा, नहीं भी आता तो उसके लिए मैंने दोबारा से कॉपी किया है और मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे निकाला है। देखिए, सबसे पहले इक्वल टू कोरल कीजिए, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले टारगेट जीरो है उसमें चलते हैं। अब किसका किसके साथ निकालना है हमें, बी का निकालना है हमें, किसके साथ, बी के ही साथ। अब हम अपनी वैल्यू देखते हैं, हमारी वैल्यू आ गई वन, आप ऊपर भी चेक कीजिए वैल्यू कितनी है, वन। इसी तरह ये वैल्यू वन क्यों है, एक काउंट ऑफ चिल्ड्रन का काउंट ऑफ चिल्ड्रन के साथ क्या रिलेशन है, वन ही रहेगा क्योंकि सेम ही है। अब दूसरा आता है हमारा अमाउंट ऑफ इनकम टोटल का चिल्ड्रन के साथ क्या रिलेशन है, उसके लिए आप इस पे क्लिक कीजिए, कोरल क्लिक कीजिए। उसके बाद किसका निकालना है, अमाउंट ऑफ इनकम का, टेबल पे जाइए आप, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ये क्या सिलेक्ट करना है, मैं एक बार यहाँ क्लिक कर देती हूँ ताकि, यस ओके, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी और यहाँ मैं जाऊँगी टारगेट पे, किसके लिए करना है हम, मुझे, मैं एरे वन चूज करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ताकि ये हट जाए। देखिए, ये चूज किया मैंने, कॉमा लगाया, और किसके साथ करना है, बी के साथ करना है, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। अब आप जाके देखेंगे वैल्यू 0.27 सेम आई है वैल्यू। इसी तरह आपको धीरे धीरे सबकी निकाल लेनी है, यहाँ तक निकाल लेनी है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सब सबकी अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये प्रोसेस, तो आपको क्या करना है, जैसे 0.27 है, ठीक है, इसके आगे जब भी आप यहाँ सी सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि वन है, वन में यहाँ सी के बाद अगर आप क्या करेंगे, माफ करना मैं इसको हटा देती हूँ, यस, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। अब देखिए, जब भी आप फर्स्ट टारगेट करते हैं एरे में, जब फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप F4 क्लिक कर दीजिए, ये आपका बन गया इस तरह से, डॉलर का साइन आ जाएगा, देखिए इस तरह से डॉलर का साइन आ जाएगा, या आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, और फिर उसको ड्रैग कर दीजिए एंड तक। देखिए इस तरह वैल्यू आ गई, अगर आपको मैच करनी है तो आप चेक कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ क्रेडिट की 0.03343, 1.01, इस तरह से आप 0.47 माइनस में 0.70, तो इस तरह से कोरिलेशन आप देख सकते हैं। इस तरह से आप ये मैंने टेबल एक क्रिएट की है, आप ये टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। अब बाकी इस फॉर्मेटिंग के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इन सब के लिए आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई भी आप कलर स्केल देख सकते हैं, पर्टिकुलर कर सकते हैं, सब कुछ सिलेक्ट करके कर सकते हैं, कोई भी आप कलर चेक कर सकते हैं। ये तो था हमारा टारगेट जीरो के लिए, अब हमें टारगेट वन के लिए करना है। देखिए ये रहा मेरा टारगेट वन, बाकी सारी चीजें सेम। अब क्या करना है, सेम इसी तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है, अभी हमने सिर्फ जीरो के लिए निकाली थी, अब वन के लिए निकालनी है। सेम कोरल वाला फॉर्मूला रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है चिल्ड्रन, तो उसके साथ चिल्ड्रन के साथ, फिर अमाउंट ऑफ इनकम का, फिर चिल्ड्रन के साथ, इस तरह से पहली लाइन को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको फोर लगाना है फर्स्ट एरे के बाद, F4 आप क्लिक करेंगे, ये डॉलर के साइन बन जाएंगे, या फिर आप मैन्युअली B2 के सामने, और यहाँ पे भी B2 के सामने आप डॉलर का साइन लगाइए, उसके बाद ड्रैग कर दीजिए एंड तक, ये सारी वैल्यूज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इसी तरह मैं
आपके लिए प्रोजेक्ट बनाती रहूंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, और कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा। एंड लाइक प्लीज जरूर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आपके लिए डेटा एनालिस्ट के लेके आती रहूंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।